अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी अर्से बाद आप सब लोगों से मुलाकात हुई है और मेरे ये फ़ोन जो है ना कहीं पे भी टिक नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ना ट्राईपॉड लेने की अशद ज़रूरत है जो कि जल्द ही मैं ले लूँगी। और काफ़ी अर्से के बाद आपसे मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं नाइट की रूटीन शेयर करूँ। तो सबसे पहले जी और जाता है योर हेयर टाइटली, जो कि टाइटली वाला कोई सीन नहीं है क्योंकि कट ऐसा है कि जो कि बाहर निकल आता है। और मेरा फेवरेट फेस सोप क्लैरिटी, ये सबसे अच्छा है। और ये मुझे कितना टाइम हो गया यूज़ करते हुए, 5 मंथ्स हो गया। अभी आपने मेरे चेहरे के ऊपर देखिए, कुछ भी नहीं लगा और कोई ऐसी शाइन भी नहीं है। और जैसे ही मैं आपको इसके बाद धोने के बाद दिखाऊंगी और देखिए कैसे चमक जाएगा ये मेरा फेस। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं हर रोज़ शुरू करती हूँ लेकिन आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ स्टार्ट करी, तो दैट्स वाई मैंने कहा काफ़ी अर्से बाद इंटरेक्शन हो रहा है तो क्यों ना। ये बिल्कुल जस्ट आपने लेना है एक मटर के दाने के बराबर, लाइक दिस, इतना ही चाहिए। और इसमें जो सिर्फ के ग्रेन्स हैं वो आपके, अगर आपने मेकअप किया हो तो आपके पोर्स तक आप मतलब कि इसको साफ करते हैं, क्लियर कर देते हैं। इसके बाद देखिए अपने फेस पे शाइन कैसे आती है। देखा बालों को बांध के मेकअप वो कोई फायदा नहीं है कि फिर भी आएंगे अंदर। डोंट कमेंट ऑन माई आईब्रोज मेरी होने वाली हैं तो इसलिए ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना। अभी मेरे जैसे कि फेस के ब्लैक हेयर आ रहे हैं, ये भी मैंने अभी कार्बन स्पेक्ट्रा करवाना है तो इसलिए अभी मैंने कुछ टाइम के लिए स्किन को रेस्ट किया हुआ है। आप उनके साथ शेयर भी करूँगी तो किसके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद भी एक स्टेप है ना, आपको नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। वीडियो बनाने का आज मेरा असल पर्पस ही ये था कि थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ों के साथ अपने स्किन का आप इतना अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो व्हाई नॉट विश आई शेयर विद यू गाइस। देखिए कितना फर्क है। ले जी गाइस, आप मेरी स्किन चेक करें यार, क्या इसके ऊपर ब्राइटनेस आई है, क्या मतलब जैसे मैं ये भी फ्रेश फेशियल करवा के आई हूँ। अब ये जो से निशान है, यू नो, ये तो पिगमेंटेशन है, ये तो फिर आ जाए तो जाती अपनी मर्जी से, जो मर्जी आपके इसके लिए ट्रीटमेंट करवा लो, जो मर्जी करवा लो। झूठ आपसे बोलूँगी नहीं, जो बात बोलूँगी आपसे सच बोलूँगी, झूठ का नहीं है कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे नियासिनमाइड, ऑर्डनरी का नियासिनमाइड। अभी मुझे कुछ एंगल्स का नहीं पता, नियासिनमाइड वैसे भी डार्क स्पॉट्स के लिए होता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। एक्ने के डार्क स्पॉट हो या वैसे भी आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट हो तो आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, नॉट टू मच गुड, लेकिन ये है कि आपके जहाँ पे ये पिगमेंटेशन होती है उसको ये रोक देता है गाइस। ले जी, ये तो हमारा हो गया, इसको आपने अपलिफ्ट थोड़ा सा करना है। जितने मर्जी मसाज कर लो, मैंने ये देखा है कि जो आपकी एज के साथ एजिंग आती है आपके फेस के ऊपर आती है वो आके ही रहती है, कोई ऐसे मिरेकल्स नहीं हो जाते। अकॉर्डिंग टू मी ऑल इज बकवास, जो कि सॉरी अगर किसी को बुरा लगे लेकिन। अच्छा एक और भी आता है, ये है जी जमल का। इसमें आपको 3 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, इसमें है रेटिनॉल, नियासिनमाइड, टी ट्री ऑयल, ठीक है। और अभी इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए और इसकी कंसिस्टेंसी
कुछ ऐसी मुझे नहीं लग रही कि मैं इसको यूज़ करूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। अभी मैं कुछ दिनों बाद मेरी डॉक्टर के पास सीटिंग है पर इसके लिए, तो फिर मैं नहीं बाय करूँगी। और मतलब मेरा ये इतना ज़्यादा डार्क है नहीं, आपको जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर ये चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर अयान होने लग जाती हैं। तो फिर ये है कि डॉक्टर ने भी, जैसे मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा था, उनका था हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन जहाँ तक ये है हम इसको वापस स्टॉप कर सकते हैं। तो एज इट इज़ ऐसा ही हुआ है मैंने इसके। अच्छा, इधर आपको थोड़ा सा वीडियो में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरे पहले माशाल्लाह से इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और फिर मुझे दूसरा फ़ोन लगाना पड़ा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा बीच पे करके कर दूंगी। आईफोन वो चीज़ है कि जो कि आपके फ़ोन के ऊपर छोटा सा पिंपल का भी दाग हो ना वो भी दिखाएगा। ये पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, बाकी सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं लेकिन ये मसला अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन उस अच्छा उसके बाद मैंने आपको इसका बताया था, उसके बाद हम लगाएंगे ये जी है सॉरी मैं भूल गई, मैं लेके आती हूँ। लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ऐसी जगह पे रखी होती है जहाँ पे सिर्फ हाउस हेल्पर को सब पता होती है। और वो इस टाइम मैं वीडियोस बना रही हूँ, पीछे टाइम आपको आ रहा है, आधी रात को मुझे शैतान आया था तो मैंने कहा क्यों रुके हम क्यों रुके, तो अभी वो उसने रखे मुझे अंडर आई सीरम में अप्लाई करना था। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं लेके आई नहीं और आपको बता नहीं रही। ये है जी ऑर्डिनरी का कैफीन सीरम। वैसे तो इतने मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। आफ्टर 30 हर लड़की को केयर करनी चाहिए उसको स्किन को। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चलना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किन पे इन्वेस्ट भी करना पड़ता है और उसकी केयर भी करनी पड़ती है। कहते होंगे क्या आधी रात को ना इसको दौरे पड़े, लेकिन मुझे जब भी पड़ते हैं रात को भी पड़ते हैं दौरे, दिन टाइम में पता नहीं। आई एम अ नाइट ओल पर्सन, दिन टाइम मेरी बैटरी ज़ीरो शून्य जिसको बोलते हैं शून्य वो है। उसके बाद मेरे पास है एलिजबेथ आयटन की, मतलब कि ये है विजिबल डिफरेंस जेल हाइड्रेटन कम्प्लेक्स। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये ना ज़्यादा ग्रीसी, मज़े की ये चीज़ है। और इनमें इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है और इसका टेक्सचर कुछ यूँ है। फिर मुझे ना कुछ कैमरे की समझ नहीं आ रही किस तरफ से करना, ठीक है, तो प्लीज़ इन गलतियों को ना आप ज़रा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ओके नाउ वी अप्लाई दिस क्रीम ऑन माई फेस। यार मुझे समझ नहीं आती कि जो कि लोग इंस्टा के ऊपर रील्स बनाते हैं और एकदम से ग्लो कैसे आ जाती है क्रीम की, मेरे ऊपर तो नहीं आती, जो मर्जी कर लो पक्का फिल्टर होता है। इसके बाद थोड़ा सा लिप्स पे भी कर लेती हूँ, हाइड्रेटिंग जो है तो क्यों ना हमारे लिप्स भी हाइड्रेटिंग मिले। उसके बाद जी हमारी आ जाती है नाइट क्रीम एवेंटोन सी। अच्छा रिजल्ट है इसका, मतलब कि बायोफेड अलाइन एवेंटोन सी और एक दो और क्रीम है जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको ब्लॉग में साथ साथ बताती रहूँगी। तो इनका सेम रिजल्ट है, इसमें यह कि आपने जस्ट एक मटर के दाने जितना लेना है और यह कि आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे। मेरे शायद ये नज़र ना आए कुछ, मेरा ना कलर थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ज़्यादा ब्राइट है तो कुछ ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है। हालांकि मैंने इसके लिए स्किन के ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, अच्छा था ट्रीटमेंट, स्किन कॉलेजन ट्रीटमेंट्स ये था, लेकिन जो है वो सो है। बेशक आप लाखों भर लो, 2 लाख भर लो, 3 लाख भर लो, ये नहीं जाते। मेरा लिख के ना मेरा ये साइन ले लो और सारे बेशक दिखा देना, किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को जाके दिखा देना, ये नहीं जाते। ओके जी हमारी नाइट रूटीन तो होगी, नाइट रूटीन तो हमारी तकरीबन हो चुकी है।
और हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो उनका होगा वो इस बारे में होगा कि जब हम स्ट्रीक्स करवा लेते हैं तो उनका ये येलोपन ख़त्म करने के लिए, अभी तो मेरे बालों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह येलोपन नहीं है, इसको एश टोन में रखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं और हमें बार बार सलोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सलोन में हमें इतने पैसे जाके भरने की ज़रूरत नहीं है उसकी ग्लॉसिंग के लिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और जिसके ये मेरे भी रूट्स वाइट हैं तो उसके लिए भी मैं आपको दो कलर्स का कॉम्बो बताऊंगी, जो जो मैं खुद करूंगी मैं आपको बताती रहूंगी। तो यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा भंड हुआ है, बेबी ब्राइड, ठीक है। मैं एनएम पे गई, मैंने बोला मुझे बेबी लिप्स चाहिए, मतलब लाइक ऐसा वाला कुछ, ठीक है, जिसका थोड़ा सा मतलब कलर होता है। तो उधर उन्होंने कहा यही है, ये मुझे मिली 1700 में, और उधर की लड़कियों को बिल्कुल भी आपको बताना नहीं आता ना, वो सही तरह से गाइड करती हैं। मुझे लगता है कस्टमर उनके पास कोई भी नहीं था, अकेले मैं बलि का बकरा बनी थी और मुझे बलि का बकरा बनाया था, और जब मैं पेज कर चुकी थी उसके बाद मैंने देखा था कि पीछे ये लगी हुई थी, लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया, महंगी से महंगी चीज़ बेचने के चक्कर में होते हैं, तो आपको ना खुद आके खोल के ना देखने के बाद लेना चाहिए, मेरी तरफ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो ये टेंट है, बड़े गंदा कलर है वैसे, फिर भी मैं लगा रही हूँ। हाँ 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 क्या मैं नारंगी ऑरेंज क्या लुक निकली है मेरी। उसके ऊपर मैं ये करूंगी, ये वाला निविया का, इससे मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई ना हो, तो ड्राइनेस से मेरी जान जाती है, स्किन मतलब ड्राई हो, हाथ पाँव ड्राई हो तो मैं क्रीम्स के बगैर नहीं रह सकती। तो मतलब कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, वीडियोस में बनते जाएंगे, फिर आपको पता चलता जाएगा, और जैसे जैसे कोई भी चीज़ मतलब मैं अपने लिए यूज़ करती, कोई भी चीज़ मेरे अपने जैसे मुझे बेनिफिट है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और एक और बात, मेरे से ज़्यादा फेक बना नहीं जाता, मैं जो हूँ सो हूँ, और कोई गलती हो जाए तो इसको इग्नोर करें, काफ़ी चीज़ों को आजकल ज़िंदगी इग्नोर ही करके गुजारी जाती है, ज़्यादा सर पे ले लो तो टेंशन बन जाती है, बस आराम से व्लॉग देखिए, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता तो भी अच्छा है इसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन बस बैड कमेंट्स नहीं करने मे बी, और कमेंट्स का ऑप्शन ही मैं ऑफ कर दूँ। तो डेली मैं आपके साथ लाइफ रूटीन जो उनसे मैं वो शेयर किया करूँगी। इट्स माई फेवरेट शर्ट, क्योंकि मैं लामा से ली थी कैफीन, पता नहीं क्या ऐसी शर्ट्स का मुझे क्या क्रेज़ है कि मैं, मुझे पसंद है एक तो ब्लैक कलर, ब्लैक के प्रोवाइड यू नो इसका एक अलहदा ही कॉम्बो है, तो मुझे ये पसंद है। 3:30 बज रहे हैं और मैंने कहा कोई और नहीं मिला ना तो YouTube वालों को तंग करते हैं जाके, तो आपका थैंक यू, आपने मुझे बर्दाश्त किया, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना सा है मिशाल ब्लॉग को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।